बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बहन भाई खैर खैरियत होंगे जी। आज हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्साइटेड हैं, इसलिए कि जो सामान रहता था चाचू जी ने कहा कि वो भी ले आए और घर कंप्लीट करवा दें, तो इसी के साथ ब्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। तो तैयारी मैंने कर ली है, आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना तैयारी कम्प्लीट हो गई है। तो अब चलते हैं जी। कपड़ा नाप कर इसे जवान ने मेनू पता नहीं, मैं चाह देने लग गई तो सारे साइकिल या मिट्टी की भरी घुमा दी। हाँ, क्या लेना है? क्या लेना है? चाचू पता क्या कह रहा था? चाचू कह रहा था कि सिर्फ ज्यान ही है जो काम करता है। चाचू को पता नहीं कितना ज्यान पसंद है कि ज्यान के काम अच्छे लगते हैं। मैं तो कहता हूँ कि उमार ज्यादा काम करता है। ज्यान तो लगता है। अच्छा जी, उमार मेरा ख्याल बड़ा हो रहा है, इस वजह से कमजोर हो गया। एक दो आपियों ने कहा कि उमार ना काफी कमजोर हो गया। मैंने कहा कि नहीं, उमार कमजोर नहीं है, उमार उमार पहले की नस्बत थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, शायद इस वजह से। छोटा बेबी है, छोटा बेबी तो अच्छा। इसके कपड़े आपके भी कपड़े सोने हैं? भाई के भी देख। अच्छा, भाई भी अच्छा है, भाई भी ठीक है। अच्छा हाँ जी, अच्छा ये आप लोगों ने मशीन रखी है। अच्छा, और बताएं, और बताएं आप यू को, और बताएं आपने क्या किया? इसने वो ना उधर जाकर ना भाई विंडो कलर कर रहा था ना। अच्छा, इसने सामने खड़ा होकर क्या देख, इसने दिखाया ये। अच्छा, इसने बताया कि विंडो कलर की हुई है। अच्छा, चाची कह रही थी आप तो आपका बेटा बड़ा हो गया, ये भी वीडियो बनाता है, आपको तो सब सूख ही सूख है। अच्छा, आराम से बैठे गिर जाएगा। बस ये आपने जो कपड़ा डाला है ना, ये चंद दिन का मेहमान है। अच्छा, ये मशीन है, आपने इसकी कोई फिरकी नहीं घुमानी। सच घुमानी होता है कि फेरनी होता है? नहीं, घुमानी होता है। मैं कहना अच्छा, कोई भी फिरकी नहीं घुमानी, सही है। मैंने कहा शायद फेरनी होता है। अच्छा, आप उर्दू में थे, क्या हो गया? अच्छा जी, मैंने ये जो इधर रजाई रखी है ना, इसके मैंने इसके ऊपर मैंने ना कवर बनाना था इसका कोई। अच्छा, तो मेरा टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो चले आप इसे उठाते हैं। अच्छा, मैं तो एक और बात कहता हूँ कि आप कुछ खाने पीने के लिए ले आए। अभी खाना खाया? अच्छा, खाना खाया, खाने की अपनी जगह चाय भी पी ली है। अब क्या करें, चाय जो है ना वो ऐसा करें, वो जो गुड़ों वाला छापर है वो ले आए, गुड़ों वाला ले आए, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा खा रही। अच्छा, कुछ मीठे को दिल करता है, कुछ खट्टे को दिल करता है। मीठे चावल बनाए, मीठे चावल बनाए, मुझे खाने दे इसे। अच्छा, इसको इसकी आप ही के पास छोड़ के आए? ये ले जाएगा, इसने पैंट उतारी है, अभी कह रहा था कभी पहनी नहीं है ना। अच्छा, कह रहा था इसे उतार दे, अच्छा खुश है, खुली सी दिख के पहन। अच्छा, अच्छा आप देखिए मेरी तैयारी कैसी लग रही है। ये मैंने आज न्यू सूट पहना है। हाँ जी, माशाल्लाह, ये वो सूट है जो चाची जी ने भेजा था। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कपड़े जो है ना कढ़ाई वाले पहने और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। मैं नहीं, ये बिल्कुल पूरा है, कमीज पूरा है, शलवार भी पूरा है, दो सूट जो बिल्कुल पूरे हैं। ये मेरी वो ही है बास्केट जो पुरानी, वो इसके साथ थोड़ी सी मैच हो रही है, थोड़ा सा फर्क है कलर का, थोड़ा सा फर्क है। लेकिन जिस दिन मैंने दूसरा सूट पहना ना, उस दिन दूसरी बास्केट पहनूंगा शायद ये बास्केट उस कलर के साथ मैच हो, दूसरा कलर है। पकड़े पकड़े से पकड़े जवान को, किस कलर के साथ? जो इस तरह का दूसरा सूट है, ये वाली। हाँ जी,
ये भी ठीक है, लेकिन मुझे बहुत आज ना मैंने बहुत अच्छा फील किया। अच्छा उस ज्ञान की तरफ भी देखे ना, ज्ञान की तरफ मैं देखता हूँ। तो मैंने आज तैयारी काफी जबरदस्त की थी, तो मैंने कहा कि अच्छा जी ये सूट वाकई पहन के बहुत अच्छा लगा, जो चीज अच्छी लगती है वो मुझे भी पता है। एक सूट इसने पहना था उसमें पेट निकला हुआ था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं ये बिल्कुल ठीक है ना, दूसरा भी सेम ही नाप है। मैंने नाप ना अब जी जी ठीक है बेटा। एक बात और है, मैं ना बिल्कुल अपने आप को स्मार्ट जो है ना वो फील, स्मार्ट तो नहीं है, नहीं स्मार्ट हूं, स्मार्ट नहीं है, नहीं ऐसे तो सुबह नहीं होता। इतना बड़ा पेट है, जैसे इसमें ना दो मन आटा रखा पेट है, इतना बड़ा होता है, इतना ही बड़ा, इतना ही बड़ा, इतना ही बड़ा, मन आटा आ जाता है, मारनी इसमें दो मन आ जाएगा। ये जो आपका पेट है, आपने पेट देखे नहीं इतने दिन बड़े जो ना नहीं नहीं ये जो ज्ञान का इसमें तो एक किलो आएगा। मार बेटा ये क्यों तोड़, मार नहीं ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा जी अपनी तारीफ क्या करनी है, देखने वाले तक भाई कर देंगे तो वो कमेंट्स के जरिए मुझे पता चल जाएगा कि उन्होंने मेरे बारे में क्या लिखा है या क्या। वो कह रहा है इधर मेरे बारे में बताएं थोड़ा सा, इसके बारे में। आप बहुत सोने, ये जेब आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अच्छा आज ना हम लैया गए और वहाँ खूब एंजॉयमेंट की। आज हमने ना लैया में काफ़ी जो है ना चीज़ों के मतलब मालूमात हासिल की और डिटेल्स के साथ जो है ना वो मैंने कहा कि सुबह मैं अपनी बहनों को लेके आऊँगा तो मैंने नहीं जाना, फिर हम ना खरीदेंगे चीज़ें। तो वो जो चीज़ें खरीदनी है उसमें तो मेरा कोई काम ही नहीं है, इसमें वो कौन सी अपनी चीज़ें खरीदनी है। क्यों क्यों अगर दूसरी शॉपिंग करनी है ना मुझे तो उधर ले जाए, कपड़ों की शॉपिंग, जूते, जर्सियाँ, गर्म चीज़ें, इस तरह वो भी आप देखना ना पसंद करना के महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक स्वेटर हमारा ने ना तस्वीर बनाई तो मैंने पूछा ये कितने का स्वेटर है, कह रही भाजी 4000 का। मैंने कहा नहीं नहीं मैंने तो नहीं लेना, अगर 1500 को होता तो फिर तो मैं ले लेती, 4000 का मैंने नहीं लेना। आजकल 1500 वाले ज़माने गए, ठीक है ना। नहीं मैं तो इस तरह की शॉपिंग करती हूँ, मुझे नहीं है महंगी चीज़ें, मुझे नहीं पसंद। नहीं क्या देख रहा था, हाँ कल यूट्यूब पे मैं ना एक बास्केट देख रहा था तो 7.5 लाख की थी। वो तो अमीर लोगों के लिए है ना, हमारे लिए नहीं। 7.5 लाख की एक बास्केट, हाँ जी बास्केट नहीं थी मेरे कल, शेरवानी थी। चले शेरवानी होगी, मैं तो शेरवानी को भी बास्केट ही कहता हूँ जी। नहीं अच्छा जी हाँ, ये मेरे बेटे की शेरवानी, मेरे बेटे की सब कुछ चीज़ें जो पहनी है ना मेरे शहजादे की खूबसूरत लग रही है। अच्छा जी ज़ियान के साथ बहुत दिल लगता है, ज़ियान को हम सभी बहुत प्यार करते हैं। अदर मार स्कूल चले जाते हैं, मैं और ज़ियान सारा दिन घर में अकेले होते हैं। तो आज ना मेरी भांजी आई तो वो कह रही थी कि मम्मी आपका कितना दिल लगता है इसके साथ ना, ये मुझे कहता था गोद में हो ना मुझे लुटा के तो मुझे ना अल्लाह अल्लाह करें पी। अच्छा नहीं ज़ियान वाकई जो है ना बहुत सारी बातें कहता भी है और समझाता भी है। अच्छा मम्मा जी क्या लेना, इसमें अंगूर डालने, बाबा को दो, बाबा को, बाबा को दो, बाबा को। अच्छा इसमें डाल के दें भी अंगूर, दो तीन डाल दें, खाता नहीं है। अच्छा जी ये मैंने खजूर, सबसे मेरी फेवरेट है। तो जी पहले एक दिन हमने मंगवाई थी आधा किलो खजूर, वो अदर उमर ने एक दो दिन में ख़त्म कर दी थी, आज हमने तकरीबन किलो पापा। कितनी है ये, एक किलो? आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी है। मुझे क्या पता, एक किलो ही है बस। तो जब रात को भूख लगती है ना, मतलब बंदा खाना शाना खाने के बाद, तो फिर बंदा दो तीन खजूरें खा के थोड़ा सा पानी पी ले ना, तो खा लो। मेरी आदत बनी हुई खाना खाने के बाद ना, मैं कहती हूँ कोई ना कोई चीज़ मीठी हो, तो फिर मैं एक दो खजूरें खा लेती हूँ। और बंदा कहाँ से बैठा, टेबल रखो, कुछ चीज़ें रखो, सामान रखो, खजूरें रखो, मैं बैठ के खाऊँ। और ना कि मुझे यहाँ गद्दा एक मैट्रेस रख दे, ठीक है ना, तो मैं अपना ये वाला रूम संभाल लूँ।
ओ बिस्मिल्लाह। अच्छा ठीक है, आपने खुद ही लेना सारा कुछ? नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मेरे पास और डाले हैं 3-4 यार, बस बहुत ही इतनी कहानी है, सारी एक ही दिखा लेनी है। हाय जी, लोग भी खाओ। अच्छा जी, जियान कुछ भी नहीं खाता, तो खजूर भी नहीं खा रहा, खजूर भी नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा, बस आप ना ये खेल रहा। अच्छा, मैक्रोस का फायदा पता क्या होगा? बुंदा गिरेगा, सोल्टीन लगेगा। नहीं नहीं, अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाएगा उसको यहाँ पे तकिए वगैरह लगा के कंबल रख के सो जाएंगे। नहीं, मैं कह रही हूँ पूरे रूम में ना क्लीन बिछा। अच्छा, फिर ऊपर जो मर्जी रख लेना, इसमें क्लीन बिछा दो। अच्छा, तो सर मेरा प्रोग्राम उस रूम में है। कौन है बात में? ये तो आपका स्लाइड रूम बन जाएगा। ये तो मेरा स्लाइड रूम है, आप उसमें भी छा लेते हैं, क्योंकि क्लीन पे ना ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। अगर गर्मियों को एसी वगैरह बंदा रात के उधर चलाता है ना, तो अगर चारपाइयां रखे तो तकरीबन कमरे में क्लीन आती है। वैसे क्लीन पे तो लोग बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, तकिए रख के। अच्छा जी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ऐसा ऐसा सारी चीज़ें अल्लाह पाक दे देगा। तो ऐसा ऐसा तकरीबन 6 महीने साल लग जाता है घर में। अब घर बनाते 1-2 साल लग गए जी, 2 साल हो गए घर में, तो 2 साल लग जाते हैं इसमें चीज़ें रखने में, एक ही बार हर चीज़ में आ जाती है। ऐसा ऐसा ना अल्लाह ताला इंशाल्लाह हर चीज़ दे देगा, लेकिन उसमें ना टाइम लगता है। कोई भी चीज जो घर एक मिनट में नहीं बन जाते, घर बनाते बनाते देखे हमारे जो है ना वो बड़े थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने घर बनाए, ठीक है, और सारी जिंदगी घर बनाते रहे। फिर उसके बाद अब हमारी बारी है, ठीक है, फिर हमारे बच्चों की बारी है। ऐसी इंसान की जिंदगी जो है ना वो गुजर जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे जो है ना वो रूम बन गए हैं। तो अब इंशाल्लाह जो है ना वो जल्दी से घर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम रात का टाइम है, तो हमने कहा कि जो है वो वीडियो को एंड कर दें। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। देखें, शाम हो गई और हमने जो है ना लाइटें भी ऑफ कर दी हैं, तो अब सोने की तैयारी है। गुड नाइट, और अपने बहन भाइयों से हम इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।